कोरोना संक्रमण में सोलन जिला प्रशासन जी जान लगा रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसका जीता जागता उदाहरण सोलन धर्मपुर में देखने को मिला, जहां एक छात्र कोरोना पॉजिटिव था लेकिन उसकी परीक्षा थी और वह अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए उस युवक ने प्रण लिया कि वह अपनी परीक्षा जरूर देगा, लेकिन कोरोना पॉजिटिव युवक की परीक्षा कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर जिला प्रशासन को लगी तो उन्होंने तुरंत युवक के लिए आवश्यक प्रबंध किए और जिला प्रशासन के सकारात्मक रवैये के कारण वे युवक अपनी परीक्षा दे पाया। अधिक जानकारी देते हुए SDM सोलन अजय यादव ने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि बोली गांव का युवक परीक्षा देना चाहता है तो जिला प्रशासन ने युवक के लिए आवश्यक प्रबंध किए। युवक को उसके घर से लाने और ले जाने का खास प्रबंध किया गया। युवक के लिए पृथक कमरे को खोला गया, जो भी आवश्यक नियम बनाए गए हैं उनका अनुसरण किया गया। उन्होंने बताया कि आज की परीक्षा युवक की सफल रही है। 17 तारीख को इस युवक की अगली परीक्षा भी है। उन्हें उम्मीद है कि वे परीक्षा भी बेहद सफल रहेगी। 13 सितंबर को जो शाम में रिजल्ट आया तो उसमें हमें पता चला बोली गांव का एक छात्र है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके कंपार्टमेंट के एग्जाम थे GSS धर्मपुर में, जो कि एक पेपर आज था 15th को और एक 17th को है। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट किया और प्रिंसिपल GSS धर्मपुर के माध्यम से एक डेडिकेटेड रूम बनाया बच्चे के लिए, जिसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया, एक डेडिकेटेड स्टाफ लगाया गया स्कूल का और बच्चे को घर से स्कूल तक छोड़ने के लिए हमने मेडिकल ऑफिसर के हेल्प से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की। तो उस व्हीकल में वो बच्चा छात्र जो है अपना कंपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए आज GSS धर्मपुर गया और उसका एक पेपर जो है 17 को है, 17 को भी वही व्यवस्था रहेगी, एम्बुलेंस आएगी उस बच्चे को स्कूल तक ले जाएगी और स्कूल में एक अलग से कमरा उसके लिए बनाया गया, डेडिकेटेड किया गया है, जहाँ पर वो छात्र एग्जाम देगा, उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। तो चूंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले HPS का एग्जाम कराया था तो उसका अनुभव हमारे पास था, तो वो अनुभव हमारे काम आ गया आज और मतलब काफ़ी आसानी से और अच्छे तरीके से उस छात्र का एग्जाम आज कंप्लीट हो गया और मुझे आशा है कि 17th को भी अच्छे तरीके से उसका एग्जाम कंप्लीट हो जाए।